जब आप पैदा होते हो तो डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है, जब आपकी डेथ होती है तो डेट ऑफ डेथ राइट में लिखी जाती है। उन दोनों के बीच में जो जिंदगी आपकी, वो इन दोनों तारीखों को यादगार बनाती है। गॉट इट? आप उन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्जाम के लिए केवल एक महीना बचा है, एक हफ्ता बचा है या कल एग्जाम है? कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्त, खराब आपका पेपर और साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है, जो इन दोनों डेट्स के बीच का टाइम है, दैट इज कम्प्लीटली योर्स। लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़ करके अगर कोई टेंशन में है तो वो कोई और है। आपकी पढ़ाई में आगे कितना खर्चा होगा, आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो? आपके पेरेंट्स को ये सोच सोच के डर लगता है कि मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। और एक बार आप अपने आप से पूछो सवाल कि आपने किन चीजों को जरूरी बना रखा है, आपने क्या क्या लफड़े पाल रखे हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से पढ़ाई को टाल टाल कर आप फिर रात को बिस्तर में पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते सोचते हो कि यार सोते ही सुबह हो जाती है, सोने को ही नहीं मिलता। सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम आपने जो जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं बताता हूँ एक बार। सबसे पहली बात कि आप बहुत ज्यादा खबरी बने हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अरे मैच में कल क्या हुआ यार, वो क्लास में क्यों नहीं आई कल, मेरी फोटो पे लाइक क्यों नहीं आ रहे यार, आज ऑनलाइन होके भी मेरा मैसेज सीन नहीं किया उसने, पता नहीं किससे बात चल रही होगी। अच्छा मैंने कल तो काफी पढ़ाई की थी यार, अरे इस बुधवार की छुट्टी है, फुल टाइम अपना है यार, इस बार विंटर की सेल नहीं लग रही कहीं, ये मेरा मोबाइल कितना टाइम लगाएगा यार चार्ज होने में, यूट्यूब चलाना था मुझे, सोने से पहले चार्ज कर लूं फिर थोड़ा सोते टाइम बिस्तर में चला लूंगा। अच्छा फेमस होने के लिए तो अपना अलग काम करना पड़ता है ना, पढ़ के क्या मिल जाएगा, मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, उसमें कौन सी पढ़ाई काम आएगी, अब तो भाई पंखा चलेगा तभी पढ़ूंगा, बिजली नहीं आ रही। वैसे पसीने में मोबाइल पर टाइम पास कर सकता हूँ बिना पंखा चले भी, और यार नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है कॉलेज में, थोड़ी शक्ल चमका लेता हूँ अपनी, नए शूज और बेल्ट ले आता हूँ यार विवेक के साथ जाके। विवेक को फोन लगाया, अरे भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। अच्छा सुन, शाम को राकेश वाली बाइक रख ली अपने पास, दोपहर बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं थोड़ा। अरे हाँ यार मुझे भी मोबाइल का कवर लेना है, और वो राहुल भी बोल रहा था बैग लेने के लिए। अच्छा ठीक है उसको भी बोल दियो भाई, वो रोहित के साथ आ जाएगा उसकी बाइक पे। अच्छा ठीक है भाई कॉल बैक करता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद विवेक का कॉल आता है, वो बोलता है, अच्छा सुन भाई वो मैंने राहुल से बात करी है, वो बोल रहा है कि अभी चलते हैं थोड़ा घूम फिर लेंगे। मन में भाई झूले लग गए, फट से तैयार हुए बाजार पहुंच गए, टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। जहां अकेला जाके एक घंटे में काम कर सकता था बंदा, वहां अब सबका फिजूल का काम खत्म करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने, और फिर वापस आते टाइम उनके घर से होते हुए आना था, मोबाइल से वेब सीरीज लेना था, बहुत सारे काम थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, टाइम बर्बाद करना। मकसद सिर्फ एक था कि जो उन दोनों डेट्स के बीच में टाइम मिलाना आपको जिंदगी के नाम पर, उसको बर्बाद करना है बस। मकसद टाइम बर्बाद करना था, बहाने रोज मिलते गए, अपने आप को झूठे इल्यूजन में रखते गए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते गए। एग्जाम के एक महीने पहले वर्ल्ड वॉर वाला टाइम टेबल बन गया, जो कि 2-3 दिन में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की, तो एकदम से कैसे 10 घंटे पढ़ोगे, एकदम से कैसे 100 पेज कवर करोगे एक दिन में। एग्जाम का जब एक हफ्ता बचा तो पूरी जान लगा दी गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने में कि कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए यार, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए। एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए क्योंकि पूरी साल भर चैन की नींद सो रहे थे, और खराब पेपर होते ही मोटिवेशन दे इस बार पढ़ूंगा, फिर वही स्टोरी रिपीट, करेक्टर तो एक ही है, लाइट कैमरा एक्शन कोई और बोल रहा है, आप रोल प्ले करते जा रहे हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार, क्यों भाई, क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15,000 की नौकरी करोगे और तब कोई और आपका ही साथी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था लेकिन आप जितने फालतू लफड़े नहीं पाल रखे थे उसने, वो ऑस्ट्रेलिया में बीच पे अपनी हॉलीडेज स्पेंड कर रहा होगा। जब आप भरी गर्मी में भीड़भाड़ वाली बस में जगह ढूंढने के लिए घुसोगे तब किसी और के घर में फुली सेंट्रलाइज्ड ऑल वेदर एयर कंडीशन लग रहा होगा। क्यों जानबूझ के इन्वाइट कर रहे हो वो सिचुएशन जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने के पहले। सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी एक तेज तर्रार सोची समझी प्लानिंग और कॉपी कलम के साथ, और सूरज को बोलता है कि आजा चल लाइन में, देखता हूँ तो कितनी गर्मी पटकता है, कितना मुझे पसीने में भागता है, मैं तो नहीं रुकने वाला। एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ कि इस साल जो पढ़ाई का मैंने प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया। बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है, बस वो रगड़ के रखते हैं उसको, अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं, और आपको देखो हर कोई नचा रहा है। कभी सोनिया का मैसेज नहीं आता, कभी रोहित धोखा दे जाता है, कभी विवेक से लड़ाई हो जाती है, कभी सारे दिन अपने लिए ब्लूटूथ हेडफोन देखते रहते हो अमेज़न खोल के। आपको तकलीफ मिलती है हर दिन, दर्द होता है हर दिन, लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना उसका सोर्स चेंज करना है। वो दर्द होना चाहिए आपके हार्डवर्क से, ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से। तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हो,
तकलीफों का सोर्स चेंज करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है। दिक्कत ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे, दिक्कत ये है कि आप अपने आप को मेहनत करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। रोज डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड बदलने से जिंदगी बदलती है। रोज पार्टी करने से नाम नहीं होता, काम करने से नाम होता है। सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए, और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है। जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। बात बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती। हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है, उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है। दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपने आप में अपना एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते हो। अपने आप में अपनी एक फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो कि मुझे लाइफ में 2 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है, और वो जो मेरा 5 साल बाद वाला वर्जन है, वो जब वहाँ पहुँच कर अपनी हिस्ट्री में देखेगा, या मेरी जब वो वाली डेट आएगी जो राइट में लिखी जाती है, समझ रहे हो ना, तो उसको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। वो मोमेंट जो है ना, वो इंस्पायरिंग होना चाहिए सबके लिए, दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा वो। तो आज से ही स्टडी करो।